गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी. ओके, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी हमने स्टडी की थी. उसमें हमने ये स्टडी किया था कि जो एनर्जी है वो हमारे एटमोसफेयर में, हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे चारों तरफ है. ठीक है, वी कैन हेयर एनर्जी एज ए साउंड, वी कैन सी एनर्जी एज ए लाइट, एंड वी कैन फील एनर्जी एज इट एज विंड. ओके, एंड इट इज डिफाइंड एज अ एबिलिटी टू डू वर्क, एंड इट इज मेजर्ड इन जूल्स. ओके, द बेसिकली जो यूनिट है एनर्जी की वो क्या है, जूल है. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो एक दूसरे में कन्वर्ट होती है. ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एनर्जी कन्वर्जन के बारे में. एनर्जी कन्वर्जन क्या होता है? एनर्जी की एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, मोस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे बात करूंगी, लैम्प एंड क्लॉक कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ओके, इवन जो हम खाना खाते हैं वो भी किसमें केमिकल एनर्जी होती है बेसिकली, तो वो किसमें कन्वर्ट हो यूज़ करते हैं, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. जब भी हम कोई काम करते हैं, हमारे मसल्स उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. ठीक है, इवन जो टोस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, सो देर आर वेराइटी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. फर्स्ट वन इज लाइट टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल टू थर्मल एनर्जी, केमिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल टू केमिकल एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट वी स्टार्ट विथ, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में. इस केस में हमने एग्जांपल लिए इलेक्ट्रिकल मोटर की. जब भी इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रिकल मोटर में से पास होता है, ठीक है, तो ये रोटेट करना शुरू कर देती है. ड्यू टू रोटेशन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में. सेम ही होता है ऐसा ही इलेक्ट्रिकल फैन के केस में. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, अगर मैं ओवन की बात करूं, गीजर की बात करूं, ठीक है, टोस्टर की बात करूं, हीटर की बात करूं, जब भी उनमें से करंट पास आउट होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है. कैसे कन्वर्ट होती है? देखिए, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है कब ग्लो करता है, जब उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, ठीक है, एंड देन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो सबसे पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, देन वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी. ठीक है, अब जो हमारी लाइट एनर्जी है इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए, जो घरों में सोलर सेल लगे होते हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में सोलर सेल लगे होते हैं, वो जो लाइट एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी. जितने भी लाउड स्पीकर से होते हैं, रेडियो होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिए माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. कैसे कन्वर्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. ओके, नेक्स्ट है हीट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी. देखिए, जो स्टीम इंजन्स होते हैं बेटा, जो स्टीम इंजन्स होते हैं उनमें क्या होता है कि हीट इज यूज टू बॉइल वाटर एंड ऑब्टेन स्टीम अंडर हाई प्रेशर टू टर्न द शाफ्ट एंड ड्राइव द व्हील्स. सो जो स्टीम इंजन होता है वो हमारा क्या कन्वर्ट करता है, हीट एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी. नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू लाइट एनर्जी. देखिए, जो बर्निंग ऑफ कैंडल्स हैं या केरोसिन ऑयल है, उनमें क्या होता है कि जो भी केमिकल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि ये जब भी हम इन्हें जलाते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट देते हैं हमें. ओके,
नेक्स्ट है बेटा जो देखिए अभी हमने डिस्कस किया था लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है, सॉरी केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। अब हम डिस्कस करेंगे लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो हम सभी ने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जब भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लीव्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं, लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, ठीक है, जो सन से लाइट आती है उसको यूज करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जो उनका फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है उसमें वो क्या इवॉल्व करते हैं, जो लाइट एनर्जी होती है उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा केमिकल टू हीट एनर्जी, ठीक है। देखिए बेटा जो गैस स्टोव होते हैं उनमें हम क्या यूज करते हैं, सिलेंडर यूज करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है केमिकल होता है। जो बायोगैस का प्रोसेस भी होता है उनमें क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इवन की बर्निंग ऑफ वुड्स, ठीक है, कोयल्स, दे ऑल्सो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। देखिए जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं जब भी वो मोशन में होते हैं तो जो केमिकल एनर्जी होता है पेट्रोल या डीजल का वो किस में चेंज हो जाता है, मैकेनिकल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में।